एमेजोन एमेजन जो है ये बनी थी 1994 के अंदर एमेजोन क्या है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अमेजोन क्या है अम लेकिन इसकी फाउंडेशन कब हुई थी 1994 के अंदर अच्छा इसके अलावा और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है जी माइक्रोसॉफ्ट uh, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कब जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी तो नाइनटीन फाइव के अंदर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो स्टैब्लिश हुई थी माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 1975 के अंदर इस्टैब्लिश हुई फिर उसके अलावा जो है वो पूछा जाता है जी फेसबुक का पूछा जाता है कि फेसबुक जो है वो पहली बार जो है वो कब इस्टैब्लिश हुई थी तो फेसबुक स्टैब्लिश हुई थी 2004 के अंदर फेसबुक जो है वो 2004 के अंदर जो है वो स्टैब्लिश हुई थी फिर उसके अलावा जो है वो पूछा जाता है जी फेसबुक के अलावा यूट्यूब का पूछा जाता है कि यूट्यूब जो है वो कब स्टैब्लिश हुई थी तो यूट्यूब स्टैब्लिश हुई थी टू थाउजेंड फाइव के अंदर यूट्यूब और इसके अलावा जो है और पूछा जाता है जी ट्विटर का भी पूछा जा सकता है कि ट्विटर जो है तो वो कब स्टैब्लिश हुई थी तो ट्विटर जो है वो स्टैब्लिश हुई थी ट्विटर टू थाउजेंड सिक्स के अंदर अच्छा ये तो अभी यहाँ पे आ रहे आ रहे थे तो हमने डिस्कस कर लिया इसके अलावा जो बाकी हैं इंस्टा जो इम्पोर्टेंट हमारे सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके बारे में लाजमी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करें ताकि जो है ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका किसी भी तरह से जो है वो रह ना सके अच्छा सेकेंड क्वेश्चन है जी सेकेंड एमसी है कि फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन कब बनी 1945 के अंदर अंडर द ब्रेटन वुड एक कॉन्फ्रेंस के नतीजे में ये बनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो उसका जो है पहला सेक्रेटरी जनरल जो है वो किसको बनाया गया था अच्छा सॉरी क्वेश्चन है फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल कौन थे पहले फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल जो थे वो यूथान थे जो थे वो फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल थे इसके अलावा इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हु वॉज फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस के जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैं वो कौन है ट्राई गाई जो है वो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल हैं फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो है वो कौन है ट्राई गेव लाई अच्छा फिर उसके अलावा इसमें जो है ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन के वो कौन से सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के जिनको जो है वो नोबेल प्राइज मिला था नोबेल प्राइज जो है वो मिला था जी हमारे पास हैं वो कॉफ़ी अनान जो है इनको जो है वो क्या मिला था नोबेल प्राइज जो है वो मिला था फॉर पीस इन्होंने जो है वो जब क्यूबियन मिसाइल मिजाइल क्राइसिस चल रहा था उस टाइम जो है इनके इंपॉर्टेंट खिदमत थी इसके नतीजे में इनको जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था फिर उसके अलावा जो अभी करंटली कौन है यूनाइटेड नेशंस के

उनमें जो है वो उन सबको जो है वो एक तरतीब के साथ जो है अकॉर्डिंग टू टूर ऑटोमिक नंबर रखा गया है और उस टेबल के अंदर वो कहता है पहला एलिमेंट कौन सा है तो उसके अंदर सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन जो कि सबसे क्या है जी लाइटेस्ट एलिमेंट भी है ठीक है फिर उसके बाद है जी अः उसके अलावा इसमें जो है ऑक्सीजन के बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है ये दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हमारी एटमोस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस जो जा है वो कौन सी है ऑक्सीजन है जो कितने परसेंट होती है सेवन एट परसेंट जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है हमारे एटमोस्फेयर के अंदर अच्छा फिर उसके बाद जो है वो अच्छा ऑस्मियम लिखा आ रहा है तो ऑस्मियम को देख लें कि ऑस्मियम जो है वो दुनिया की सबसे जो है हैस्ट एलिमेंट जो है वो कौन सा है हैवियस्ट एलिमेंट जो है वो क्या है ऑस्मियम है सबसे हेवियस्ट कौन सा है ऑस्मियम है सबसे ज्यादा प्रिश्यस, प्रिश्यस का हमारे पास और एकट गोल्ड है, है जो इससे भी महंगा है जिसको हम क्या कहते हैं प्लाटीनियम अच्छा यहां तक कितने ही करते हैं आगे फिर दोबारा आएगा तो इसको डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट दो मोटो पार के वो कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 1973 का जो कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो और इस बात की जो है वो पावर्स देता है कि वो सो मोटो एक्शन ले सकते हैं तो वो हमारे पास ये तो इम्पोर्टेंटली करंट अफेयर में भी आएगा बल्कि ये आ भी चुका है ट्वेंटी के अंदर पी के एग्जाम्स के अंदर जो बी एस के हुए थे उसके अंदर भी आया था ये क्वेश्चन तो वो आर्टिकल क्या है आर्टिकल वन के जो सब सेक्शन थ्री है उसके अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है ये पावर्स दी गई हैं कि वो सौ मोटो एक्शन जो है वो ले सकती है जिसको जो है अभी करंटली गवर्नमेंट जो है वो चेंज करने जा रही है जिसके अंदर अमेंडमेंट होगी सौ मोटो एक्शन जो है वो एक इसके मुताबिक जो है इस आर्टिकल के तहत जो है वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो सौ मोटो एक्शन ले सकता है लेकिन अब जो है उन्होंने ये अमेंडमेंट कर रहे हैं इसके अंदर कि जो भी सौ मोटो एक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो चीफ जस्टिस नहीं लेगा बल्कि जो टॉप थ्री जो सीनियर चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के वही जो है इस पावर को इस्तेमाल करेंगे और इकट्ठे जो है वो काम करेंगे जिस तरह एक डेमोक्रेसी के अंदर पार्लियामेंट के अंदर काम होता है अच्छा जी फिर उसके बाद है जी हु इज द विनर ऑफ आई सीसी मैन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी वन के अंदर जो है आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप हुआ है वो किसने जीता था वो जीता था जी ऑस्ट्रेलिया ने फिर उसके बाद जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया में यह याद होगा कि जब इन्होंने जो है वो से, सेमीफाइनल में जो है वो पाकिस्तान को जो है वो इन्होंने हराया था सेमीफाइनल में जो है ये पाकिस्तान से जीत कर जो है वो आगे फाइनल में गए थे और फिर फाइनल भी इन्होंने जीता फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी कायद आजम ज्वाइन ऑल इंडिया कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस जो है ये एक हिंदू मजॉरिटी एक पार्टी थी जो बनी थी 1985 के अंदर उसको जो है कायद आजम ने ज्वाइन किया था नाइनटीन के अंदर और जो है बाद में असल में कायदेजम ने इसको ज्वाइन किया था कि जो मुसलमानों की एक पार्टी बनेगी और जो बाद में एक कांग्रेस बनी थी तो ये इकट्ठे जो है वो पूरे के पूरे पूरे के पूरे जो सब कॉन्टिनेंट है उसके लिए जो है वो जदोजहद तो करेंगी लेकिन जो है ये बाद में जो है वो कुछ टाइम के बाद जो है ये कुछ टाइम तो इस पर काम हुआ लेकिन उसके बाद जो है वो काम रुक गया और इसी बेस पे जो है वो कायदे अजम को जो है वो एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी जो है वो लकब मिला था और अच्छा इनको जो है वो ज्वाइन किया था इन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस को 1906 के अंदर फिर उसके बाद जो है इसमें क्वेश्चन इस ये भी पूछा जाता है कि कायदे आजम ने जो है वो इसको लेफ्ट कब किया था ऑल इंडिया कांग्रेस को तो इन्होंने जो है वो लेफ्ट किया था 1920 के अंदर 1920 के अंदर जो है उन्होंने लेफ्ट किया था फिर उसके बाद जो है इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग को इन्होंने जो है वो कब ज्वाइन किया था मुस्लिम लीग को जो है वो ज्वाइन कब किया था तो मुस्लिम लीग को इन्होंने ज्वाइन किया था 1913 के अंदर ये जो तीन चार एम सी क्यू है ये बार बार जो है कायदे आजम से रिलेटेड जो है ये पूछे जाते हैं और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है फिर इसके अलावा एक और एमसी क्यू यहाँ पर डिस्कस करें कि कायदे आजम को कायदे आजम का जो लकब था वो किसने दिया था वो दिया था मजरुल हक ने ठीक है मजरुल हक ने जो है उन्होंने नाइनटीन थर्टी एट को जो है कायदे आजम को आजम का जो है वो दिया था। फिर उसके बाद लास्ट uh, है। है और जो है वो किसके किन किन के दरमियान लड़ी गई थी मुगल एम्प्रियर मोहम्मद शाह एंड नादर शाह नादर शाह थे लड़ने वाले मोहम्मद शाह थे और मुगल एम्पर थे अच्छा इससे रिलेटेड जो है मुगल एम्प्रर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो इसके लिए जो है वो अक्सर जो है इन बच्चों को जो है वो कैंडिडेट्स को इनकी जो है वो सीक्वेंस नहीं पता होता तो सीक्वेंस याद रखें जो मुगल एम्प्रर थे कि बी एच ए जे एस एच ए के सबसे पहले जो है वो बाबर हमायों औरंगजेब जहांगीर शाहजहां और एंड पे है औरंगजेब ठीक है इन्होंने जो है वो नाइनटीन सॉरी फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स के अंदर जो है ये मुगल एम्प्रर जो है इसका जो है वो क्याम आ, किया और फिर उसके बाद जो है ये सिर्फ जो है वो चार साल के लिए रहे और फिफ्टीन थर्टी के अंदर जो है वो हमारियों जो है वो थ्रोन पर आ गया था तख्त पर बैठा और फिर इसी तरह जो है ये चलता रहा और और औरंगजेब जो है एंड पे जो है वो सेवनटीन जीरो सेवन के अंदर जो है वो औरंगज़ेब जो है वो भी इस तख्त से उतरे और उनकी जो है वो डेथ हुई ये जो है इससे रिलेटेड जो है वो मजीद क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे तो आज के लिए इतने ही काफ़ी हैं तो आज के वीडियो क्लोज़ करते हैं बहुत शुक्रिया अल्लाह